न्यूयॉर्क के एक शहर में जहाँ देखने से लगता है कि बहुत समय से यहाँ कोई नहीं रहता, तभी एक छोटा बच्चा जिसका नाम व्यू है नंगे पैर चुपचाप मॉल में भाग रहा होता है और उसके पीछे उसकी बड़ी बहन जिसका नाम रेगन है चल रही होती है, जिसके कान में एक हाई फ्रिक्वेंसी सुनने का डिवाइस लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो एक कोने में चुपचाप बैठा होता है और एवेलिन जो इन तीनों बच्चों की माँ होती है चुपचाप बिना आवाज करे वहाँ से एक दवाई उठाती है और मार्कस को खिलाकर पानी पिलाती है। असल में मार्कस को अस्थमा होता है और वो सभी उसकी दवाई लेने यहाँ मॉल में आए हुए थे। व्यू मॉल की जमीन पर एक रॉकेट बनाता है और अपनी बहन से इशारों में कहता है कि एक दिन हम इस रॉकेट में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। ये देखकर उसकी बहन मायूस हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। व्यू मॉल में खिलौनों के सेक्शन में जाकर एक रॉकेट उठाने की कोशिश करता है कि तभी उसका हाथ लगने से वो रॉकेट नीचे गिरने लगता है, जिसे उसकी बहन हवा में ही पकड़ लेती है। इसी दौरान उन बच्चों का पिता ली आ जाता है और वो इशारे से व्यू से कहता है कि जाओ तुम अपनी माँ को ढूंढ कर लाओ। इधर रेगन अपने पापा के बैग से कुछ निकालती है और पूछती है कि क्या ये रेडियो के लिए है, जिस पे ली बताता है कि इससे रेडियो का सिग्नल बेहतर होगा। तभी उनकी माँ एवेलिन आ जाती है और कहती है कि अंधेरा होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी घर जाना चाहिए। तभी व्यू अपने हाथों में कुछ लेकर आता है जिसको देखकर ली डर जाता है, जो कि एक एरोप्लेन होता है। उसका पिता उस एरोप्लेन को धीरे से उसके हाथ से ले लेता है और उसमें से सेल निकालकर व्यू से कहता है कि ये बहुत शोर करेगा, हमें इसे नहीं लेना चाहिए, और वहां से चला जाता है। लेकिन रेगन को व्यू के लिए लगता है, इसलिए जाने से पहले रेगन व्यू को वो प्लेन वापस दे देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है, जिसके बाद मासूम व्यू उसके सेल को भी चुपचाप वहाँ से उठा लेता है, जो किसी को पता नहीं चलता। और अब सभी घर के लिए निकलते हैं। उन्होंने सारे रास्ते में रेत बिछा रखी थी जिससे उनके पैरों से चलने की आवाज ना हो। ली अपने बड़े बेटे मार्कस को तबीयत खराब होने की वजह से गोद में लिए होता है और इसके पीछे सभी अपने घर जाने के लिए रास्ते में एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद सभी डर जाते हैं और पलट के देखते हैं कि व्यू एरोप्लेन अपने साथ ले आया है और साथ ही उसमें सेल डालकर उसे ऑन कर दिया है, जहां अब हम जान पाते हैं कि रेगन सुन नहीं सकती और इसीलिए व्यू के सबसे नजदीक होने के बावजूद उसे पता नहीं चलता कि व्यू ने एरोप्लेन ऑन कर दिया है। इसलिए ली तुरंत व्यू के पास उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और जब तक ली व्यू तक पहुंच पाता एक एलियन वहां आ जाता है और उनके छोटे से मासूम बच्चे को उनकी आंखों के सामने मार डालता है। और ये सीन सच में बहुत दर्दनाक होता है, जहां कोई भी अपना दर्द बाहर निकालने के लिए चीख कर रो भी नहीं सकता, क्योंकि अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें चुप रहना होगा। इस हादसे से एक साल बाद हम देखते हैं रेगन को जो रेत पर सोई हुई थी कि अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपनी माँ एवेलिन के साथ वापस घर लौट जाती है, जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि घर के बेसमेंट में ली ने एक रेडियो सेटअप बनाया होता है जहां से वो अलग अलग देशों को मदद के लिए संदेश भेजा करता है। वहां उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए हुए होते हैं और बहुत सारे मॉनिटर भी। असल में ली वहां पर रिसर्च करके उन एलियंस की कमियों का पता लगाना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ यही पता चलता है कि एलियंस देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, और वो हल्की से हल्की आवाज भी बहुत दूर से सुन लेते हैं और जिन्हें आसानी से मारा भी नहीं जा सकता। इसलिए वो यहाँ बहुत लो फ्रिक्वेंसी की तरंगों से अलग अलग देशों को मदद के लिए मैसेज भेजता है और जिस देश से जवाब नहीं आता उस देश के आगे वो लाल निशान लगा देता है। दूसरी ओर ली का बड़ा बेटा मार्कस एक पुरानी बंद गाड़ी में बैठा हुआ है कि तभी वो गाड़ी के शीशे में अपने पिता को देखता है और गाड़ी से निकलकर घर की तरफ चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एवेलिन प्रेग्नेंट है और अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा रोने पर बहुत आवाज करेगा, इसलिए इन लोगों ने बेसमेंट में एक रूम तैयार किया है जिसे ये सब लोग साउंड प्रूफ बना रहे हैं। साथ ही एवेलिन ने एक साउंड प्रूफ बॉक्स भी तैयार किया है जिसमें वो एक ऑक्सीजन मास्क भी रख देती है ताकि बच्चा आवाज करने पर भी सेफ रहे। लेकिन ली और एवेलिन अब भी अपने छोटे बच्चे प्यू की मौत से उभर नहीं पाए हैं और आज भी उसे मिस करते हैं, और इसीलिए एवेलिन अपने घर के बेसमेंट में बैठी एल्बम में उसकी फोटो देखकर रो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि ली एक साइलो पे जाकर बैठ जाता है और शाम होने पर वहाँ आग जलाता है और चारों तरफ देखता है तो वहाँ कुछ और भी मसाले जलती हैं। यानी यहाँ सभी लोग हर रोज इसी तरह सिग्नल देकर दूसरे लोगों को बताते हैं कि वो अभी तक जिंदा है। अब एवेलिन सबको डिनर पे बुलाती है जहाँ सभी डिनर से पहले प्रार्थना करते हैं और डिनर करने के बाद दोनों बच्चे कार्डबोर्ड गेम खेलने लगते हैं कि तभी मार्कस से गलती से लैंप गिर जाता है और वहाँ आग लग जाती है। ली तुरंत भाग के उस आग को बुझाता है कि तभी उनकी घर की छत पर बहुत तेज आवाज होती है, इसलिए अब ली सबको चुप रहने के लिए बोलता है और धीरे धीरे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कुछ जंगली जानवर हैं और वो सभी राहत भरी सांस लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि ली रेगन के लिए एक दूसरा ईयर डिवाइस बना रहा होता है ताकि वो सुन सके। तभी एवेलिन वहाँ आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की चिंता को कम करने के लिए एक ही ईयरफोन पर गाने सुनते हुए वहाँ स्लो मोशन में डांस करते हैं। अब 473 दिन बीत जाने के बाद ली रास्ते पर रेत बिछा रहा है और एवेलिन अपना बीपी चेक कर रही है क्योंकि वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। और दूसरी ओर रेगन चुप
चुपचाप छुपते छुपाते धीरे से अपने पिता के बेसमेंट में जाने लगती है कि तभी ली रेगन को पीछे से पकड़ लेता है। रेगन कहती है कि उसे जाने दे, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी, पर ली फिर भी मना करता है और रेगन को उसकी ईयर के लिए नई डिवाइस देता है जो उसने फिर से बनाई थी, जिस पे रेगन कहती है कि इसने आज तक कभी काम नहीं किया। लेकिन ली कहता है कि हम फिर भी हार नहीं मानेंगे और कोशिश करते रहेंगे, लेकिन रेगन बार बार मना करती रहती है, जिसके बाद ली उस डिवाइस को उसके हाथों में देखकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एवलिन मार्कस को पढ़ा रही होती है और तभी ली वहां आ जाता है और मार्कस को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस अपनी माँ को जाने से मना करता है और घबरा कर बोलता है कि मुझे मत लेकर जाओ, जिसपे उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो ये जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे, इसीलिए तुम्हें अब अपने पिता की तरह सब कुछ सीखना होगा। अब ली और मार्कस जाने लगते हैं कि तभी रेगन वहाँ आ जाती है और साथ चलने की बात करती है, पर ली कहता है कि तुम अपनी माँ के पास रहकर उनका ख्याल रखो, हम अगली बार साथ चलेंगे, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी ओर रेगन अपने कमरे में आती है जो खुद को ब्यू की मौत का जिम्मेदार समझती है और उसे लगता है कि इसीलिए अब उसके पिता उससे प्यार नहीं करते कि तभी उसे ली की दी हुई डिवाइस याद आती है और वो पुरानी डिवाइस को बदल कर उस नई डिवाइस को लगा लेती है, लेकिन रेगन को अब भी कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो तुरंत ही कहीं जाने के लिए अपना बैग उठा लेती है। इधर ली मार्कस को लेकर एक नदी के पास आता है जहां उन्होंने मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल लगाए हुए होते हैं। जैसे ही ली एक मछली निकालने लगता है कि तभी वो हाथ से फिसल कर छटपटाते हुए पत्थरों पर गिर जाती है, जिससे मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी ली उसे समझाता है कि ये इतनी बड़ी आवाज नहीं है, नदी का पानी अपने आप में ही बहुत शोर करता है, इसलिए नदी छोटी आवाजों को छुपा लेती है, तो तुम डरो मत। इधर दूसरी तरफ रेगन बैग लेकर अपने घर से बिना एवलिन को बताए चुपचाप निकल जाती है और एवलिन बेसमेंट में कपड़े धो रही होती है और उन कपड़ों को एक बोरी में भरकर ऊपर ले जाने लगती है कि तभी बोरी एक कील में अटक जाती है और जब वो उस बोरी को खींचती है तो वो कील भी खड़ी हो जाती है, लेकिन एवलिन उस पे ध्यान ना देते हुए अपने कपड़े सुखाने चली जाती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है ली और मार्कस की तरफ, जहां दोनों यहां एलियन उनकी आवाज नहीं सुन सकते इसलिए झरने के पास खूब जोरों से चिल्लाते हैं और खुश होते हैं, जिन्होंने काफी टाइम से अपनी खुद की आवाज नहीं सुनी होती। और अब हम पहली बार मूवी में डायलॉग सुनते हैं जहां मार्कस अपने पिता से पूछता है कि आपने रेगन को क्यों नहीं आने दिया, क्या सच में ब्यू रेगन की वजह से मरा, क्या इसमें उसकी गलती थी? तो ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब फिर से हम रेगन को देखते हैं जो घर से निकलकर उस जगह पहुंचती है जहां उसका छोटा भाई ब्यू मारा जाता है, क्योंकि उन लोगों ने वही ब्यू की कब्र बनाई होती है। रेगन अपने भाई की कब्र के ऊपर वही एरोप्लेन रखती है जिसकी वजह से ब्यू मारा गया था, लेकिन रखने से पहले उसकी आवाज का तार काट देती है और उसे ऑन करके वही छोड़ देती है। इधर मार्कस ली से बोलता है कि जब आप उससे इतना प्यार करते हो तो आप उसे बताते क्यों नहीं, जिस पे ली कुछ नहीं कहता और मार्कस को लेकर वापस घर की तरफ चलने लगता है। चलते चलते मार्कस को रास्ते में एक घर दिखता है जिसे देखते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो अपने पिता से टकरा जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी मरी हुई पत्नी के पास खड़ा है जिसे एलियंस ने मार दिया है। ली उसे इशारे से शांत रहने को कहता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर से चीखता है, इसलिए ली तुरंत मार्कस को उठाकर वहां से भाग जाता है और एलियन उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं मार देता है। इधर एवलिन का वाटर ब्रोक हो जाता है, यानी अब उसके माँ बनने का समय आ गया है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती हुई बेसमेंट में जाने लगती है कि तभी उसका पैर वहाँ सीढ़ियों पे उसी कील पर पड़ जाता है जो पहले से ही बोरी में फंसकर खड़ी हो गई थी और कील के चुपते ही उसके हाथ से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है और आवाज हो जाती है, जिसके बाद एवलिन बड़ी मुश्किल से शांति से बिना आवाज करे अपना पैर कील से निकालती है और कमरे में लगी इमरजेंसी स्विच को ऑन कर देती है, जिससे घर के बाहर लगी सारी की सारी लाइट्स लाल कलर की हो जाती है जो की खतरे का संकेत होती है। और जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि एक एलियन उसके घर में आ गया है, इसलिए वो तुरंत एक अलार्म सेट करती है और हिम्मत जुटाकर गहरी सांसें लेते हुए बिना आवाज करे वहाँ छुपी रहती है। तभी ली और मार्कस वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर लाल लाइट जली हुई है और वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इधर घर के अंदर जहाँ एवलिन बेसमेंट में छुपी होती है वहाँ वो एलियन बेसमेंट में उतर आता है और अब एवलिन को ना सहन होने वाला दर्द होता है, मगर फिर भी वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है कि तभी सेट किया हुआ अलार्म बज उठता है और एलियन के डिस्ट्रैक्ट होते ही एवलिन मौका देखकर वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन एवलिन देखती है कि अलार्म की आवाज से अब वहाँ और भी एलियन आ गए हैं। इधर घर के बाहर ली मार्कस से बोलता है कि तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ हमने पटाखे और रॉकेट रखे हुए हैं, क्योंकि अब तुम्हें उन्हें जलाकर आवाज करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी मदद की जरूरत है। और फिर मार्कस तुरंत वहाँ से टॉर्च लेकर उस जगह के लिए भागता है जहाँ पटाखे रखे हुए होते हैं। यहाँ एवलिन खुद को संभालते हुए एक खाली बाथटब में लेट जाती है और अब उसका दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, मगर फिर भी वो इतने दर्द में होने
होने के बावजूद आवाज नहीं करती। कुछ ही देर में मार्कस उस जगह पहुंच जाता है और बॉक्स को खोलकर वहां रखे पटाखों में आग लगा देता है और ली भी अब अपनी बंदूक उठा लेता है। इधर एलियन अब एवलिन के ठीक पीछे होता है और एवलिन का बच्चा अब बस बाहर आने ही वाला है, जिससे अब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है कि तभी वहां रॉकेट और पटाखों के फूटने की आवाज आने लगती है, जिससे एलियन तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उन आवाजों की तरफ भागता है। और अब एवलिन बहुत जोरों से चीख पड़ती है, मगर उसकी चीखें पटाखों की आवाज में दब जाती है। साथ ही पटाखों की रोशनी और आवाज की वजह से रेगन, जो रास्ते में सोई हुई थी, तुरंत घर के लिए भागती है। अब ली भी घर के अंदर घुसता है और एवलिन के खून से सने पैरों के निशान के सहारे बाथ टब तक पहुंचता है और वहां खून देखकर वो समझता है कि एलियन ने एवलिन को मार दिया है और वो वहीं रोने लगता है। लेकिन एवलिन शॉवर में छुपी थी और वो जैसे ही अपना हाथ शीशे पर रखती है, ली उसे देख लेता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि उनका न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आ चुका है और वो एवलिन को गले लगा लेता है। आगे हम मार्कस को देखते हैं जो घर वापस आ रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो डर के मारे वापस खेत की तरफ भागने लगता है और वहां खड़े ट्रैक्टर से टकरा कर गिर जाता है। इधर ली एवलिन और उनके बच्चे को गोद में उठाकर बेसमेंट के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, जो उन्होंने बच्चे के लिए तैयार किया था, कि तभी नवजात बच्चा रोने लगता है, जिससे अब एलियन वापस आ जाते हैं। इसलिए बचने के लिए ली तुरंत बेसमेंट में उतरता है और उस नवजात बच्चे के मुंह में ऑक्सीजन लगाकर उसे उस लकड़ी के बॉक्स में रखकर ढक देता है, जहां उसके रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है। दूसरी तरफ रेगन घर वापस आ रही होती है तो देखती है कि खेतों से एक रोशनी आ रही है और वो उस रोशनी की तरफ देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे एक एलियन आ जाता है, मगर अचानक से उसके कान में लगा डिवाइस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में साउंड निकालता है जिसे रेगन और एलियन दोनों ही सह नहीं पाते और एलियन वहां से भाग जाता है। इधर सोई हुई एवलिन जाग जाती है और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगती है कि वो कहां है, तो ली कहता है कि बच्चों को पता है कि उन्हें क्या करना है और तुम आराम करो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। जिसपे एवलिन ली से कहती है कि तुम वादा करो कि तुम किसी भी तरह हमारे बच्चों की रक्षा करोगे, जिसके बाद ली बेसमेंट से बाहर आकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एलियन ने घर के वाटर पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जिससे सारा पानी बेसमेंट में जा रहा होता है। दूसरी तरफ रेगन अब खेतों के अंदर जाती है, जहां उसे मार्कस मिल जाता है और दोनों बच्चे साइलो के ऊपर जाकर वहां आग जलाते हैं, मगर केरोसिन खत्म हो जाने से वो आग कुछ ही देर में बुझ जाती है। तो मार्कस रेगन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पिताजी हमें बचाने जरूर आएंगे। इधर जिस पाइप के फटने से पानी बह रहा होता है, वो पानी बेसमेंट में भरने लगता है और सोई हुई एवलिन की जब आंखें खुलती हैं, तो देखती है कि पूरा कमरा पानी से भर चुका है और जैसे ही वो सामने देखती है तो एलियन भी वहां आ चुका होता है। अब एवलिन चुपचाप पानी में उतरती है और धीरे धीरे अपने बच्चे के पास जाती है और उसे उस बॉक्स में से उठा के वहां से धीरे से पीछे होने लगती है। यहां ली अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता है, मगर वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते। बच्चे अब भी साइलो के ऊपर बैठे अपने पिता का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर अब रेगन कहती है कि हमें उनका इंतजार करने के बजाय खुद ही घर जाना चाहिए और वहां से उठकर जाने लगती है, जिसे रोकने के चक्कर में मार्कस साइलो के अंदर गिर जाता है और अनाज में धंसने लगता है। साथ ही साइलो के एक साइड का गेट भी टूटकर अंदर गिर जाता है, जिसके बाद रेगन भी मार्कस को बचाने के लिए उसमें कूद पड़ती है। लेकिन अब गेट के टूट के गिरने की आवाज से एवलिन के पास जो एलियन होता है वो साइलो की तरफ भागने लगता है, जिसे ली देख लेता है और समझ जाता है कि बच्चे साइलो के आसपास ही हैं। तब तक वो एलियन साइलो के अंदर रेगन और मार्कस पे हमला कर देता है, जिसे बचने के लिए रेगन टूटे हुए गेट को अपने और मार्कस के ऊपर रख लेती है। लेकिन तभी रेगन की डिवाइस फिर से हाई फ्रिक्वेंसी वेव निकालने लगती है, जिसको वो एलियन सह नहीं पाता और साइलो की दीवार को तोड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। अब ली भागते हुए साइलो के पास पहुंचने ही वाला होता है, मगर उसे रास्ते में ही दोनों बच्चे मिल जाते हैं और एवलिन ये सब कुछ अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है। तभी कुछ आवाज होती है और ली समझ जाता है कि वो एलियन क्रिएचर अब भी वही है, इसलिए वो दोनों बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है और सामने खड़ी बंद गाड़ी में छुप जाने का इशारा करता है। बच्चे भागकर गाड़ी में छुप जाते हैं और ली अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर वहां खड़ा हो जाता है, मगर वो एलियन ली के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसे देखते ही मार्कस चीख पड़ता है और अब वो एलियन मार्कस की तरफ भागता है और बच्चों की गाड़ी पे चढ़कर उसे तोड़ने लगता है कि तभी रेगन के कान में लगा डिवाइस फिर से आवाज करने लगता है, जो रेगन सह नहीं पाती, इसलिए वो इस बार उसे बंद कर देती है। और हम जानते हैं कि ये रेगन की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि अब तक वो इसी की वजह से बच पा रही थी। उधर दूर खड़ा ली देखता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं, लेकिन उसके लिए इस एलियन क्रिएचर को हराना लगभग नामुमकिन था, इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अगला कदम उठाने से पहले रेगन से इशारों में कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा से प्यार करता रहा है, जिसे देखकर रेगन बहुत इमोशनल हो जाती है और अब ली जोर से चीखता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, जिसे एवलिन भी सीसीटीवी कैमरे से देख रही थी। एलियन की गाड़ी से उतरते ही मार्कस गाड़ी का ब्रेक खोल देता है और वो गाड़ी से लुढ़कते हुए घर तक पहुँचते हैं और अपनी माँ एवलिन के गले लगकर रोते हैं कि
तभी एवेलिन देखती है कि वो क्रिएचर इन दोनों का पीछा कर रहा है। इसलिए एवेलिन तुरंत ही बच्चों को बेसमेंट में ले जाती है, जहां मार्कस अपने छोटे भाई को देखा है और रेगन पहली बार उस कमरे को देख रही होती है और अपने पिता के बनाए हुए डिवाइस को हाथ में लेकर रोने लगती है कि तभी एलियन बेसमेंट में उतरता है और एवेलिन एलियन को सीढ़ियों से उतरता देख रेगन को चुप रहने का इशारा करती है और गन लेकर तैयार हो जाती है। एलियन के बेसमेंट में आते ही वहां मौजूद सारे मॉनिटर आवाज करने लगते, इसीलिए एलियन उन सब मॉनिटर को तोड़ने लगता है। तभी रेगन की नजर वहां पड़े एक साइन बोर्ड पे पड़ती है, जिसमें उसके पिता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इन एलियंस की वीकनेस क्या है। और तभी रेगन को ट्रिगर होता है कि उसकी तरह ये एलियंस भी उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पा रहे और वह तुरंत उस डिवाइस को फिर से ऑन कर देती है, जिससे एक बार फिर से एलियन उस आवाज से तड़पने लगता है। लेकिन साथ ही रेगन भी उस आवाज से परेशान हो जाती है, इसलिए वो उस डिवाइस को माइक के सामने लगा देती है, जिससे उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी और भी तेज सुनाई देती है, जिसको एलियन सह नहीं पाता और तड़पता हुआ वहीं गिर जाता है। मगर कुछ ही देर बाद वो फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार एवेलिन गोली सीधे सर के अंदर मारती है और इस बार वो मर जाता है। मगर तभी गोली की आवाज से आसपास के एरिया में जितने भी एलियन क्रिएचर थे वो सभी घर की तरफ दौड़ने लगते हैं और इस बार उन्हें आता देख एवेलिन और रेगन अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को फुल कर देती है और एवेलिन अपनी बंदूक को फिर से रिफिल करती है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा और अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।